दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों शुभमन गिल के शतक के दीवाने तो भारतीय खिलाड़ी भी हो चुके हैं, लेकिन शुभमन गिल के शतक पर खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या बोल गए विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज, पांड्या, सबका बयान आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों में से सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में शुभमन गिल ने इतिहास रचा है, शब्दों से नहीं बल्कि बल्ले से। हमने इस मुकाबले में उस्मान ख्वाजा और साथ ही साथ कैमरॉन ग्रीन का शतक भले ही देख लिया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को पता चल गया है कि भारतीयों में भी कितना दम है। दोस्तों जब सामने 480 रन हो, आपका कप्तान 35 रन पर आउट हो जाए और बल्लेबाजी का भार आपके ऊपर आ जाए तो जाहिर सी बात है शतक लगाना तो दूर की बात, कोई 50 तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन शुभमन गिल ने आज इसी इक्वेशन को गलत साबित कर दिया है। दोस्तों शुभमन गिल ने केवल पुजारा के समर्थन के साथ अपना 50 भी पूरा किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुभमन गिल ने दोस्तों अपनी शतकीय पारी के अंदर 150 गेंदों के दायरे के अंदर ही अपना ये शानदार शतक मिशेल स्टार्क को चौका जड़कर पूरा कर लिया। उनके इसी खूबसूरत शतक के बल पर भारत के स्कोर 300 के पार चले गए थे। और केवल शतक नहीं दोस्तों, शुभमन गिल तो आगे चलकर पूरे 128 रन तक मैदान में टिके भी रहे और धांसू बल्लेबाजी कर सबको हिलाकर भी चले गए। शुभमन गिल के शतक के बल पर दोस्तों फिर जडेजा और कोहली ने भारतीय बल्लेबाजी के मोर्चे को आगे बढ़ाया, लेकिन शुभमन गिल की बल्लेबाजी के मानो सबकी नजरों में अटक कर रह गई है और पूरी दुनिया इनकी तारीफ कर रही है क्योंकि इन्हीं के बल पर हमें जीतने की उम्मीद जो मिली है। लेकिन दोस्तों खास तौर पर गिल के शतक पर क्या बोले हैं भारतीय दिग्गज, चलिए एक एक कर आपको सबका बयान सुनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले विराट कोहली ने शुभमन गिल के शतक पर कहा, सच बताऊं तो भारतीय क्रिकेट टीम पूरी की पूरी खुशनसीब है कि उन्हें शुभमन गिल जैसा सलामी जोड़ी बैट्समैन मिल चुका है जो ना सिर्फ T20, ना सिर्फ वनडे बल्कि टेस्ट यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना अच्छा खेल रहा है इतनी कम उम्र में। इतना साहस मेरे अंदर भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े मैदान में शतक लगाना दर्शाता है कि शुभमन गिल का भविष्य क्या है, इस खिलाड़ी में कितनी क्षमता है। उम्मीद है ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो वही दोस्तों पांड्या ने भी गिल के लिए कहा, शुभमन गिल आपकी काबिलियत को तो मैं गुजरात की टीम से ही देखता आ रहा हूं और गुजरात की धरती पर आपका ये शतक बहुत कुछ बयान कर रहा है। अच्छा लगा आपको इस फॉर्म में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अपना नाम चमकाते हुए। आप हमारे देश का भविष्य हैं और भविष्य अगर ऐसा प्रदर्शन करे तो 4 चांद तो लग ही जाते हैं। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी तक ने कहा, शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर वाकई में राहत सी मिली, जिस तरीके से 480 रन बने लगा के शायद मुश्किल होगा पहुंचना, लेकिन गिल है तो पॉसिबल है और गिल का यही शतक मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि वो इस समय के सबसे बेहतर सलामी जोड़ी बैट्समैन है युवा उम्र के। आप ऐसे ही चमकते रहिए शुभमन गिल, ऐसे ही देश को आगे ले जाते रहिए। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि युवराज सिंह तक ने गिल पर कहा, शुभमन गिल मैं खुश नसीब होता अगर आपकी पारी लाइव देख सकता तो। मैं जानता हूं कि आपके अंदर कितना विशालकाय क्रिकेटर समाया हुआ है और मैं उसे देख भी सकता हूं। उम्मीद है आप उसे जिंदा रखेंगे और ऐसे ही शतक पर शतक जड़कर भारत को जिताते रहेंगे। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया के सारे दिग्गज आज शुभमन गिल की कसीदे पढ़ रहे हैं और क्यों ना पढ़ें, क्योंकि गिल ने काम भी तो ऐसा कर दिया है। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और केएल राहुल में सबसे बेहतर कौन है इस समय की बात करें तो नीचे कमेंट करके हमें उसका नाम जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।